हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जिसके आप मुझे जानते हैं, मेरा चैनल टेक्निकल लवली मनी चैनल। दूसरा है स्विमिंग बाय मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। उसके ऊपर मैं मोबाइल की स्विमिंग की वीडियो डालता हूँ, जो बिगिनर्स की है, जिसको स्विमिंग नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, उनके लिए बेनिफिट है उस चैनल पर जाने का। तो फ्रेंड्स, अदरवाइज आप और कुछ टिप्स लेने चाहते हैं, जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं नोकिया के 4.2 की। ठीक है फ्रेंड्स, लॉन्च हुए काफ़ी दिनों में, पर अभी हरियाणा में अभी आया। तो फ्रेंड्स, चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले हम बाहर से एक बार शॉप दिखा देते हैं और इसके कुछ फंक्शन भी बताऊंगा, तो चलो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये है अगर फ्रेंड चौक सामने अमेरिकन शॉप, जो कि दूसरी तरह हरियाणा में इंडिया में पड़ती है। लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हर एक तरह के मोबाइल मिलते हैं और आपको एक्सेसरी भी सारी मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आए विजिट करें। तो चलो अनबॉक्स स्टार्ट करते हैं नोकिया के, करते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं कुछ डिटेल दे देना चाहता हूँ, जो बॉक्स कंटेंट है वो दिखा देता हूँ। नोकिया 4.2, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ है, वो आपको मैं बता देता हूँ, ऐसे ही आप चेक कर सकते हो, उसके बाद मैं आगे बताऊँगा। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अब मैं फॉरवर्ड में निकालूंगा और बॉक्स के राइट लेफ्ट में कुछ नहीं, ऊपर भी कुछ नहीं, तो चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं फॉरवर्ड। स्टार्ट करते हैं नोकिया की सारी डिटेल, स्टार्ट करते हैं 4.2 की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। डिस्प्ले की बात करें तो आपको 5.71 इंच की मिलेगी, जो कि HD प्लस है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। फ्रंट कैमरा मिलेगा आपको 8 मेगापिक्सल। राइट साइड देखा जाए तो आपको पावर लॉक बटन मिलेगा, साथ में वॉल्यूम की रोकर मिलेगा। उसके बाद एक चीज़ और बता दूँ साथ के साथ ही, कि आपको पावर लॉक बटन में आपको नोटिफिकेशन लाइट मिलेगी। जैसे कि आप देखते हो ये वाइट सीन है, तो ये नोटिफिकेशन लाइट है। ठीक है, मतलब कि बटन के साथ ही नाइट है। लेफ्ट साइड में देखा जाए तो आपको सिम स्लॉट मिलेगी, जिसमें आप दो नैनो सिम डाल सकते हो और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो एक साथ ही। और साथ में आपको इसमें मिल जाता है गूगल असिस्टेंट का बटन, जैसे कि सैमसंग में आता है बिग्सबी का, और एप्पल में आता है पता नहीं कौन सा आता है, एप्पल में कुछ ऐसा वैसा आता है, पर इसमें आपको गूगल असिस्टेंट का बटन मिलेगा। मतलब बटन दबा के हे गूगल ओपन द यूट्यूब खुल जाएगी, तो हे गूगल टेक्निकल मनी लवली मनी तो मेरा चैनल आ जाएगा, तो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, नीचे बात करते हैं इसके, आपको मिल जाता है चार्जर, जो कि नॉर्मल मिलेगा। उसके बाद मतलब कि नॉर्मल से थोड़ा फास्ट मिलेगा। साथ में मिल जाता है आपको मेन माइक मिल जाता है, उसके बाद आपको मिल जाता है स्पीकर। ठीक है, ऊपर की साइड देखा जाए तो नॉइस कैंसलिंग का एक आपको मेन माइक मिल जाता है, साथ में आपको मिल जाता है 3.5mm का जैक, जो कि बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी देता है। उसके बाद बैक में देखा जाए तो आपको ग्लास लुक मिलती है पूरी, ये मतलब कि ग्लास ही है। और डबल कैमरा मिल जाता है, जो कि आपको मिलेगा 13+2 मेगापिक्सल से, साथ में फ्लैश फिंगरप्रिंट आपको पीछे बैक में मिल जाएगा। नोकिया की खासियत ये लगती है कि इनके फिंगरप्रिंट बड़े छोटे से होते हैं और बढ़िया लगते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं इसके बाकी सारी डिटेल। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे हम इसके कैमरे की, कैमरे क्वालिटी कैसी है क्या नहीं है, तो देख लेते हैं। 13 मेगापिक्सल के हिसाब से इनके कैमरा तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बैक कैमरा तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। चलो इसके बेनिफिट भी बता देते हैं क्या क्या आपको मिल जाता है। लाइव बुके मिल जाता है, जिसमें आप बैकग्राउंड ब्लर सेट कर सकते हो। अभी ब्लर के लिए मैं कैसे दिखाऊं, बैकग्राउंड जिस सेट कर सकते हो आप, ब्लर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो फोकस करके उसके चीज़ के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको पनोरमा मोड मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रो मोड प्रोफेशनल मोड होता है, जिसमें आप सारी डिटेल देख सकते हो। अगर आपको चलाना आता है, अच्छे से वर्क करना आता है, तो आप कर सकते हो इजीली। प्रोफेशनल मोड मिल जाता है, उसके बाद आपको नॉर्मल फोटो मोड मिल जाता है, उसके बाद आपको वीडियो मोड मिल जाता है। अगर आप इसमें कुछ सेट करना चाहते हो, नॉर्मल मोड में जाना चाहते हो, लाइव लेना चाहते हो, तो यही सेटिंग आपको मिल जाती है साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, और मतलब कि डिटेल आपने फ्रेम सेट करना हो, फ्रेम बड़ा रखना है छोटा रखना है, जो आप सेट कर सकते हो इजीली। इसी तरह आपको राइट साइड में मिल जाते हैं 3 लेयर्स मिल जाते हैं, जिसमें आप 3 सेटिंग मिल जाते हैं, जो कि आप बैक करके सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको फ्लैश लाइट ऊपर मिल जाती है, अगर आप सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। और अदरवाइज़ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि फ्रंट में आजकल फ्लैश लाइट नहीं आती, वो डिस्प्ले ही फ्लैश मारती है, तो मुझे इसके कमेंट काफ़ी आते हैं। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा भी काफ़ी बढ़िया है, 8 मेगापिक्सल आप चेक कर सकते हो, दिख रहा है पूरा पूरा। स्विमिंग बाय मनी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोनों। तो फ्रेंड्स, फ्रंट में भी आपको सेम फंक्शंस मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको ये मतलब कि टाइम लैप भी मिलता है। आप सपोज करो आपने टाइम लैप चलाना है, यहाँ पे 3 सेकंड की वीडियो बनानी है, 10 सेकंड की वीडियो बनानी है, तो बना सकते हो इजीली, टाइम लैप सेट कर सकते हो, ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, इसके कैमरे की मैंने एक और खासियत बतानी थी। इसके कैमरे की खासियत ये है कि अगर आप किसी कितनी भी बड़ी फ़ोटो लेना चाहते हो, वो इजीली ले सकते हो, जो कि पिक्सल जिसके फटते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप DNG फोटो ले सकते हो, जो कि प्रो होती है, मतलब कि काफ़ी क्वालिटी बढ़िया आ जाती है उसमें, जिसमें वो फटती नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये थे कैमरे की बात, अब करते हैं इसके कुछ खास फंक्शनों की बात, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स गैलरी की बात कर लेते हैं, गैलरी कहाँ से आती है आपको, जो नीचे वाइट सा बटन दिख रहा है वो, इसको आप ऊपर करोगे एक बार, फिर दूसरी बार सारी आपको गैलरी मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर देखा जाए तो एंड्रॉयड 1 में आता है ये, जिसमें आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इतनी खास मिलती नहीं है, और जो मेन है गूगल की एप्लीकेशन है वो सारी आपको इसमें इंस्टॉल मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। चेक कर सकते हो, इसमें एप्लीकेशन पूरी घिनी चुनी आती है, ना कोई फेसबुक ना कोई व्हाट्सअप, वो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, पर गूगल की सारी है। इसका बेनिफिट क्या है कि आपको अगर अपडेट मिलता है तो सबसे पहले इसी में मिलेगा। तो अब हम करेंगे इसके ऊपर कि इसमें ये जो आपको प्रोसेसर है बैटरी है वो चीज़ मैंने बताई नहीं, वो चीज़ अब मैं हम उसकी डिटेल बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स इसकी जो आपको बैटरी मिलेगी वो 3000 mAh की मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो आपको इसका प्रोसेसर मिलेगा, प्रोसेसर के मामले में मुझे थोड़ा वीक लगा, बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन 439, ठीक है। इसका जो प्राइस मिलेगा वो 10,990 रुपये मिलेगा, मतलब कि आपको लगभग 11,000 का ये नोकिया का फ़ोन मिलेगा 4.2। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस फ़ोन से रिलेटेड, मुझे इसका प्रोसेसर मतलब थोड़ा छोटा लगा, थोड़ा काफ़ी छोटा लगा, क्योंकि आजकल तो पबजी का ज़माना है। और तो रैम की बात कर लेते हैं, रैम है इसकी 3GB और 32GB इंटरनल मेमोरी है 11,000 के मामले में, ठीक है फ्रेंड्स। प्राइस इसका 11,000 है, 11,000 के हिसाब से क्या ओपिनियन है आपका इस फ़ोन से रिलेटेड। लुक वाइज मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, जो इसमें खासियत लगी वो मुझे ये लगी कि इन्होंने आजकल क्या है कि जो नोटिफिकेशन लाइट है वो काफ़ी मतलब कि इंपॉर्टेंट रखती है, तो वो इन्होंने इसमें दे रखी है। गूगल असिस्टेंट का बटन दे रखा है, वो भी बढ़िया चीज़ है, बट इनको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रैम थोड़ी बड़ी देनी चाहिए, रैम कह दिया, प्रोसेसर थोड़ा बड़ा देना चाहिए था, बाकी सब ओके लगा मुझे इसमें, बहुत बढ़िया लगा। तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे बता देना। इसके कुछ खास फंक्शन इतने हैं नहीं, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ जो जो आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो सेटिंग मिलती है नाइट मोड आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा है कि आप अंधेरे में काम कर रहे हो रात को खासकर नाइट में, तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, जिसके कारण आपकी बैटरी भी काफ़ी कम कंज्यूम होगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात आप याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी बढ़िया रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी नाइट मोड मिल जाता है इसमें आपको, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इसमें LCD में वीडियो चलाने जाते हो तो ईजिली आप यहाँ से चला सकते हो, कोई इतनी बड़ी खास है नहीं हो। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ खास इतना था नहीं, क्योंकि इसमें सारे गूगल के एप्लीकेशंस होते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इसमें होती नहीं है, और इसमें एंड्रॉयड 1 मिलता है, जिसमें आपको गूगल का जो भी अपडेट आती है वो आपको इस फ़ोन पे जल्दी मिल जाती है। बाकी इसका ओपिनियन आपके रिलेटिव क्या है मुझे जरूर बताना, चलो वीडियो का एंड कर। तो फ्रेंड्स सारी डिटेल मैंने इसकी दे दी है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी इस फ़ोन से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन मुझे जरूर बताना कमेंट करके, क्योंकि इसमें कुछ खास फंक्शन इतने थे नहीं बल्कि इनके जो आते हैं, जो सिंपल गूगल के फंक्शन आते हैं, जो कि इतना मतलब कि ये नहीं है कि इसमें स्क्रीनशॉट बता देता हूँ कैसे लेनी है, वो मुझे कमेंट में भी काफ़ी कई बुलाता है। वॉल्यूम की, रॉकर डाउन बटन और पावर लॉक बटन आपने दोनों एक साथ प्रेस करने हैं तो आपकी स्क्रीनशॉट आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, चेक कर सकते हो, ठीक है स्क्रीनशॉट। उसके बाद आप इसको ऐसे ही एडिटिंग भी कर सकते हो, ये तो ऑप्शन आपको इजीली मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी नोटिफिकेशन लाइट यहाँ पे आ जाएगी, वो सेटिंग से जाके आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। वो मैंने अभी मतलब कि इसमें सिम सुम कुछ नहीं है, अगर आप चार्ज फ़ोन लगाओगे स्विच ऑफ करके तो भी आपको पता चलेगा कि फ़ोन चार्ज हो रहा है, आपको बार बार प्ले करके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ काफ़ी बढ़िया इसमें दी है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो इसकी सारी डिटेल है लास्ट में फास्ट बता देना चाहता हूँ, आपका क्या ओपिनियन है इस फ़ोन से रिलेटेड मुझे ज़रूर बताना। मुझे इसका प्रोसेसर काफ़ी छोटा लगा प्राइस के हिसाब से, ठीक है, बाकी ओके लगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले की, डिस्प्ले मिल गया कि 5.71 इंच की, जो कि HD+ है। उसके बाद आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा इसका 8 मेगापिक्सल का, बैक कैमरा मिलेगा इसका आपको 13+2 मेगापिक्सल का, साथ में फ्लैश मिल जाएगी, फिंगरप्रिंट मिल जाएगा इसमें आपको, फेस लॉक भी मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स, फेस लॉक मतलब कि सब में मिलता है। तो बैक में आपको ग्लास लुक मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, लुक वाइज आप चेक कर सकते हो ये, ठीक है। इसमें नोटिफिकेशन लाइट मिलेगी, ऊपर आपको 3.5 mm का जैक मिल जाएगा, जो कि हेडफोन सुनने के लिए मतलब गाने सुनने के लिए बहुत बढ़िया रहता है। उसके बाद आपको नॉइस कैंसिलिंग का माइक मिल जाएगा, मेन में आपको नीचे मेन माइक मिल जाएगा, साथ में आपको चार्जर मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल से थोड़ा सा फास्ट मतलब कि 10 ampere का वो चार्जर है, मतलब कि 10 watt का चार्जर, तो समझ सकते हो कितनी देर में कि जो नॉर्मल होता है वो ज़्यादा स्लो करता है, तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर होता है, मतलब कि अगर नॉर्मल 2 घंटे लगाएगा तो ये 2 घंटे से कम लगाएगा, ठीक है। तो मेन स्पीकर भी आपको नीचे मिल जाता है। तो यही इसकी कुछ डिटेल्स थी सारी मैंने बता दी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो ये लुक है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो। फ्रेंड्स ये है चैनल मेरा स्विमिंग बाय मनी, ये है टेक्निकल लवली मनी जिस पे आप वीडियो देख रहे हो। स्विमिंग बाय मनी चैनल पे आपको मिलेगी स्विमिंग से रिलेटेड सारी वीडियो, जिसको बिगनर है जो उनको लिए स्पेशल है वो। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और वीडियो इसी तरह आपको मिलती रहेगी। अगर वीडियो में कोई कमी है तो मुझे माफ़ कर ले, कोशिश करूँगा कि आगे से और वीडियो आपको बढ़िया दूँ और बढ़िया आपसे
बातें करो। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो।